बिग बॉस एक ऐसा शो है जहां पर आप कभी भी प्रॉपर क्लीन स्लेट के साथ नहीं जा सकते। अगर कोई पुराना सीजन सक्सेसफुल रहा है, पुराने सीजन के जो सेलेब्स होते हैं या उनके जो फैंस होते हैं, वो हमेशा नए कंटेस्टेंट्स को भी थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन उसी पैरामीटर के साथ देखते हैं, उसी बेंचमार्क के साथ देखते हैं और प्रेफर करते हैं देखना। इस वक्त मैं आपको बताने आ गई हूँ कि घर के अंदर अंकित गुप्ता को किस एक्टर के साथ कंपेयर किया जा रहा है और किस बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट के साथ उनकी कंपैरिजन हो रही है। जी हाँ, सीजन 15 के हैं ये कंटेस्टेंट और क्या है बात, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फोर। मैं हूँ ज्योति नाहक। सोशल मीडिया पर बिग बॉस जब से शुरू हुआ है, डे वन से ही बिग बॉस ने क्लियर कर दिया था कि कोई इस सीजन का शहनाज बनने आया है, कोई इस सीजन का गौहर या कोई इस सीजन का सिद्धार्थ बनने आया है, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। आप अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज दिखाइए। मेरे हिसाब से इस सीजन में शालीन थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में कोशिश करते, बट अब वो वापस नॉर्मल हो चुके हैं। अब वो प्रॉपर जो शालीन है, आई थिंक जो उनका रियल साइड है वही दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब वो सिद्धार्थ बनने की कोशिश में नहीं है। उसी के साथ साथ अंकित गुप्ता भी जेन्युइन ही है, लेकिन कई सारे फैंस ने सोशल मीडिया पर उन पर इल्ज़ाम लगाया है। जी हाँ, किस बात का इल्ज़ाम अंकित पर लगाया जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि कई सारे ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं और फैंस कहते हैं कि ट्रोलर्स बेसिकली, और फैंस सपोर्ट कर रहे हैं, बट ट्रोलर्स अंकित को ट्रोल करते हुए कह रहे हैं कि अंकित गुप्ता कॉपी करने की कोशिश कर रहा है करण कुंद्रा और सिम्बा को। जी हाँ, करण कुंद्रा को क्यों कॉपी कर रहे हैं और सिम्बा को क्यों कॉपी कर रहे हैं, इन दोनों के नाम आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ डिफ्रेंसिएशन। सिम्बा के साथ कंपैरिजन अंकित का इसलिए हो रहा है क्योंकि सिम्बा ने पूरे सीजन में कुछ नहीं किया था। वो शांत बैठे, सब लड़ रहे होते थे, वो साइड में बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते थे, सब लड़ रहे होते थे, वो साइड में बैठकर ओट्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, स्मूदीज खा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अंकित ऐसा नहीं करते, जहां उन्हें लगता है वो जरूर उस मुद्दे में पड़ते हैं। करण कुंद्रा के साथ अब क्यों कंपैरिजन हो रहा है? सेकंड कंपैरिजन करण के साथ इसलिए किया जा रहा है कि जहां पर प्रियंका की बात आती है, अंकित वहां कूद जाते हैं। भले ही उन्हें सही गलत पता हो ना पता हो, लेकिन वो हमेशा ही उस मुद्दे पर, उस पछड़े पर पड़ जाते हैं। करण कुंद्रा भी तेजस्वी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुद्दों में जो है वो पड़ जाते थे, और कई बार हालांकि उनकी आपस में भी लड़ाई हो जाती थी, लेकिन फिर भी वो कहते ज़रूर थे, जैसा कि तेजरन के साथ भी होता था, है ना। और अंकित और प्रियंका के साथ भी यही हो रहा है। सो ऐसे में कई सारे फैंस ने कहा है कि अंकित काफ़ी हद तक करण कुंद्रा और सिम्बा की याद दिलाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अंकित बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं, जहाँ उन्हें लगता है वो घर में बोलते हैं, जैसे शालीन ने जब धक्का दिया था उन्होंने तब भी बोला था। और इसके आगे अंकित के फैंस कहते हैं, अंकित इज नॉट जस्ट काम एंड कंपोज्ड व्हेन इट कम्स टू ओपिनियंस, ही इज बैंग ऑन, ही ऑलवेज गिव्स हिज ओपिनियंस इन अ लाइटर फॉर्म, ही इज नॉट वन ऑफ दोज कंटेस्टेंट्स हु सिट्स इन द सोफा लाइक प्रीवियस सीजन एंड एंजॉयज द सीन। ही टुक टाइम बट नाउ ही इज द बेस्ट इन हाउस, नो मैन इन बिग बॉस हैज गट्स टू स्टैंड अगेंस्ट हिम। यानी कि अंकित के अगेंस्ट आने के लिए किसी भी मर्द में, घर के अंदर गट्स नहीं है, और अंकित को गलत ठहराने के लिए भी किसी में गट्स नहीं है। सब अंकित से बात करते वक्त प्यार और मोहब्बत का इस्तेमाल करते हैं। अब आपकी बारी है, आप हमें बताइएगा कि क्या अंकित का जो ये जो कंपैरिजन किया जा रहा है करण कुंद्रा और सिम्बा के साथ, ये सही है आपके हिसाब से या नहीं?